पेपर डाला था, लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछे उसकी एक लिस्ट बना ली है और वो क्वेश्चन आपसे सिमी मल्होत्रा जी वन बाय वन पूछेंगी और सब क्वेश्चन ओके ओवर टू यू सिमी, वन बाय वन प्लीज आस्क द क्वेश्चन. ओके थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड सर, सबसे पहले जो हमारे कंसल्टेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछ रहे हैं कि व्हाट वी कैन सजेस्ट फॉर काफ मसल फॉर द एज ऑफ 30 to 60 इयर्स. ओके, काफ मसल का पेन के लिए जिनका उम्र 30, काफ मसल का पेन अगर हम लोग देखें इसका रीजन तो बहुत सारा है लेकिन एक कारण होता है मैम मैग्नीशियम डेफिशियंसी. हमारा बहुत सारा मिनरल्स होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी के कारण एक्चुअली मेनली कफ मसल में पेन होता है. तो हमारे पास प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली दो सप्लीमेंट्स कफ मसल पेन में लोग ले सकते हैं. नाउ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जिसमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम है, एंड वी हैव मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल जिसमें भी मैग्नीशियम. कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एक तत्व के दिन में दो बार कोई भी टाइम पे मतलब खाने से पहले भी लोग ले सकते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं या तो खाने के बाद भी ले सकते हैं. एंड मल्टी ये दो सप्लीमेंट्स मेनली हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं मैम. अलोंग विद दिस टू सप्लीमेंट्स कभी कभी लोगों को देखा जाता है कि पेन तो है उसके साथ साथ स्वेलिंग भी है, स्वेलिंग या सूजन भी एक कारण होता है पेन का. तो उसमें हम लोग और दो सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकते हैं एडिशनली, एक होता है एलोए वेरा जूस और दूसरा होता है स्पिरुला. चार सप्लीमेंट्स. थैंक यू सर, थैंक यू. आई होप कंसल्टेंट जिसने ये क्वेश्चन किया था उसका ये आंसर हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्स एंड एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स. यही में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड एलोपैथिक मेडिसिन. मैं मतलब लॉकडाउन से पहले भी देखा हूँ, अभी भी जब जूम प्लेटफॉर्म में सेशन करता हूँ मेरे पास ये सवाल आता है, मतलब स्टेटमेंट आता है कि मान लीजिए मेरा ये प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है और मैं मोदी का क्या दवाई दे सकता हूँ. अंग्रेजी दवाई कहते हैं इसको, एक्चुअली एलोपैथिक मेडिसिन को हिंदी. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी केयर में कोई अंग्रेजी दवाई नहीं. तो यहाँ पे थोड़ा मैं समय लेना चाहता हूँ मैम, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में नॉलेज रहना बहुत जरूरी है. मतलब ये बेसिक काम है, ये जब हम लोग विल का सप्लीमेंट का सेशन करते हैं ये बेसिक बातें हम लोग हमेशा क्लियर करते हैं. सप्लीमेंट और मेडिसिन को अगर हम लोग देखते हैं तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड पुलिस फोर्स जैसे हमारे बॉर्डर में रहते हैं और उनका काम क्या होता है 360 को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सो दैट बाहर से कोई दुश्मन ना आए. लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारा पोरस बॉर्डर है आप जानते हैं, और हमारे ईस्ट में बहुत सारा ऐसा बॉर्डर है तो जहां से बाहर देश से लोग हमारे देश में आ जाते हैं. और पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस का काम होता है देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. तो पुलिस क्या काम करते हैं, उन लोगों को पकड़ के मतलब जो कानूनी कार्रवाई बॉर्डर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पुलिस का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना. वैसा ही अगर हम लोग देखते हैं कि सप्लीमेंट अगर हम लोग नियमित रूप से लेते हैं 24/7 365 डेज हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण या तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण को लेना है. क्यों? क्योंकि जो सीरियस प्रॉब्लम सीवियर प्रॉब्लम है जहां पे डॉक्टर के साथ हम लोग को बात करना है वहां पे हम लोग को मेडिसिन लेना है. तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे बीएसएफ और पुलिस का एग्जांपल देने से ये बहुत आसान तरीके से लोग समझे. उसके बाद एक डिफरेंस अगर हम लोग बोलते हैं इससे उभर के आता है कि सप्लीमेंट प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन एंड मेडिसिन क्योर करने के. मैम बहुत सारे लोग मुझे आज अभी भी पूछते हैं, कुछ देर पहले मेरे पास एक सवाल आया था इसमें मैं क्या प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ ट्रीटमेंट के लिए. मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाए, सप्लीमेंट ऑफ सर्जरी डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने बीएसएफ एंड पुलिस. नंबर टू जो डिफरेंस है, सप्लीमेंट होता है प्रिवेंशन, मेडिसिन होता है क्यूरेटिव पर्पस. एक होता है प्रिवेंशन, दूसरा होता है क्यूरेटिव. प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन और भी एप्लीकेबल टर्म होगा. थर्ड जो होता है सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि सप्लीमेंट एकदम नेचुरल है. ये सवाल हर दिन आता है मेरे पास कि ये प्रोडक्ट अगर मैं लूंगा कोई न्यू जॉइनिंग मुझे पूछता है कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है. कोई भी सप्लीमेंट प्रोटीन से लेते हुए शिलाजीत तक साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से आग बंद करके ले सकते हैं. लेकिन मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं मेडिसिन का साइड कोई भी मेडिसिन इवन इफ यू आर कंज्यूमिंग पैरासिटामोल ऑल्सो दैट इज हैविंग साइड इफेक्ट. पैरासिटामोल का भी साइड इफेक्ट है. और उसके बाद आएगा कि सप्लीमेंट हमारे शरीर में
पूरा के पूरा एब्जॉर्ब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अवशोषण, हमारे शरीर में इसका पूरा के पूरा एब्जॉर्प्शन होता है, जो होता है मेडिसिन सिंथेटिक होने के कारण मेडिसिन का मतलब एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में पूरा नहीं, मेडिसिन सिंथेटिक है, सप्लीमेंट होता है नेचुरल। और एक डिफरेंस है यहाँ पे कि अगर हम लोग देखें, आप देखेंगे कि कोई भी मेडिसिन, जैसे मान लीजिए नींद की गोली, आप बहुत ज्यादा दिन अगर ले रहे हैं, एक टाइम पे आके नींद की गोली का डोज बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो मेडिसिन रेजिस्टेंट हो जाता है, काम नहीं करता है। सप्लीमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर 12 दिन करके ले रहे हैं, 60 साल की उम्र में जाके भी आपको एक कर। थैंक यू। यस सर, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो कैंसर की मेडिसिन ली थी तो उससे उससे बोन की मेरे प्रॉब्लम आई, लेकिन जब सप्लीमेंट्स ले रही हूँ तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारे कंसल्टेंट पूछ रहे हैं, कैन सी यहाँ पे कुछ कुछ डॉक्टर्स मदद देंगे तो शुगर लेवल बढ़ सकता है, कुछ डॉक्टर का ऐसा मानना है, और कुछ कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं आप आराम से दे सकते हैं। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सेफ साइड में रहने के लिए बेस्ट होगा आपका, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटनों में अगर दर्द है, आप एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑल। और हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कोई भी डिजीज में, कोई भी मेडिकल कंडीशन में, आप अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम लोग उसके बाद कंज्यूम करना बेहतर। जी मैम, आप इंग्लिश हिंदी अपना क्वेश्चन हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे तो सबके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कैन जिंसिंग बी गिवन टू हाई बीपी पेशेंट, कैन क्या जिंसिंग हम ब्लड प्रेशर के जो मरीज है उनको भी दे सकते हैं क्या? मैम सेम बात मैं बोलूंगा, ये यहाँ पे भी कुछ कुछ डॉक्टर्स मानते हैं कि जिंसिंग अगर आप हाई ब्लड प्रेशर में देंगे, जिंसिंग एक्चुअली क्या काम करता है, जिंसिंग एनर्जी बढ़ाता है। तो जिंसिंग का फर्स्ट जो काम होता है ये ब्लड फ्लो को ना थोड़ा बढ़ा देता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने से जितना ज्यादा ब्लड फ्लो नॉर्मल पर ठीक रहेगा, उतना ही हमारे हर एक कोशिकाए में ऑक्सीजन ये सब पहुंचेगा और सेल एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए जिंसेंग इतना एनर्जाइज्ड, हम लोग जिंसेंग खाने के बाद इतना एनर्जाइज्ड रहते हैं। अभी ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा तो जिन लोगों का ब्लड, एक प्रोबेबिलिटी है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसमें भी हम लोग कहेंगे कि ब्लड प्रेशर देखिए ये भी एक डिजीज है, तो बेटर है आप जिंसेंग अगर ब्लड प्रेशर में देना चाहते हैं, एक बार आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे उनको पूछ के देना। थैंक यू सर। हम हमारे जो नेक्स्ट कंसल्टेंट जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है, कैन वी टेक आंवला जूस एंड लोनी जूस? मुझे बताइए प्रोटीन कौन सा लेना। तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं सबसे पहले नंबर वन दैट इज हमारा प्रोटीन क्रेस्ट, बिकॉज इसमें सोया प्रोटीन के साथ साथ वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन दो काम करता है, एक है मसल डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लीन मसल डेवलपमेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है कि ये आप जिम करने के बाद आप देखेंगे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं थोड़ा सा मतलब वर्कआउट करने के बाद ना थकान सा महसूस, प्रोटीन हमारा जो प्रोटीन है ऑल प्लांट प्रोटीन ये प्रोटीन प्रेस्ट के बारे में भी आप बोलेंगे, ये लीन मसल को डेवलप करता है, मतलब आपका मसल और हड्डियों का वजन बढ़ेगा लेकिन फैट नहीं है। देखिए वजन को लेके ना मार्केट में मैम बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा फैटी होना चाहता हूँ, फैटी होने का मतलब वो नहीं है, लोग एक्चुअली मीन करना चाहते हैं मैं हेल्दी होना चाहता हूँ। फैटी होना और हेल्दी होना ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारे बोलेंगे कि फैट को कभी नहीं बढ़ाता है, मतलब जो वेट मैनेजमेंट में है वो अगर प्रोटीन लेंगे और भी मतलब मोटे हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर प्रोटीन क्रिस्ट या प्रोटीन पाउडर के बारे में मैं बोलूं, लीन मस डेवलपमेंट में से काम करता है और हड्डियों का वजन भी बढ़ता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे कंसल्टेंट ने शेयर किया है कि बॉडी सी हमारे पेन के लिए कारण क्या है, ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता दूं मैम, ये बहुत अच्छा सवाल है, मेरे पास कहीं सारे ऐसा सवाल आता है, उसमें दो सवाल मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं। एक सवाल आता है यहाँ पे तो आया है बॉडी एक, मेरे पास आता है हेडेक के लिए और पेट क्या दे सकते, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ। हेलो सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप
बोल रहे हैं कि आपका सर दर्द हो रहा है या से फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द हो रहा है, सबसे पहले आप एक बार डॉक्टर के साथ कॉन्सल्ट करके उसका रीजन जान लीजिए। अभी बॉडी एक जो हो रहा है, बॉडी एक में भी हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर के साथ बात करना जरूरी है, आपका प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट तीसरा सप्लीमेंट के तौर पे हम लोग कैल्शियम कॉम्प्लेक्स भी दे सकते। और बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि चौथा सप्लीमेंट के तौर पे फ्लैक्स ऑयल, हम लोग स्पिरुलिना और एलोवेरा स्वेलिंग को कम करने के लिए देते हैं, क्योंकि स्वेलिंग हमारा मेन पेन का मेन रीजन होता है। और तीसरा होता है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, चौथा होता है फ्लैक्स ऑयल। ये चार सप्लीमेंट्स हम लोग दे सकते हैं बॉडी। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा सप्लीमेंट बेहतर है कॉन्स्टिपेशन के लिए, कौन सा सप्लीमेंट हम लोग दे सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है। मेरे पास जितने सारे सवाल आता है, मान लीजिए 10 सवाल अगर आता है, उसमें 8 सवाल यह रहता है कि पाइल्स के लिए मैं क्या दे सकता हूं। और मैं सारे लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पाइल्स का तो बहुत सारा रीजन है, पाइल्स का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। ये बहुत भयानक प्रॉब्लम है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बात करना, आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन एक बहुत भयानक प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे पहले हम लोग जो दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं क्विनवा, क्योंकि क्विनवा में फाइबर है। और जब हम लोग इसका सेशन करते आप देखेंगे, हम लोग कहते हैं ना मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में एक एलिमेंट होता है फाइबर, जिसको हम लोग कहते हैं रफेज। तो हम लोगों को देखना है कि हमारे कौन सा एलिमेंट में फाइबर है। हमारा एक फूड में फाइबर है, दैट इज कॉल्ड। उसके साथ साथ हम लोग ले सकते हैं फ्लैक्स ऑयल, क्योंकि इसमें भी फाइबर है। हम लोग ले सकते हैं प्रोटीन क्रेस्ट, बिकॉज प्रोटीन के क्रेस्ट सिर्फ वेट मैनेजमेंट में ही नहीं, प्रोटीन क्रेस्ट में मॉल्ट रहने के कारण बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन क्रेस्ट पेट को भी साफ रखता है। और हम लोग अमृत शक्ति को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो ये तो हमारा कॉमन सप्लीमेंट है। उसके बाद फ्लैक्स ऑयल हम लोग दे सकते हैं अमृत शक्ति। इवन बहुत सारे कंसल्टेंट्स मुझे ये भी फीडबैक दिया, आप ये सप्लीमेंट भी दे सकते हैं जो आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सप्लीमेंट है, दैट इज कॉल्ड मीडिया। आप लोग दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सर। नेक्स्ट जो कंसल्टेंट ने पूछा है वो है आयरन डेफिशिएंसी के लिए क्या सप्लीमेंट देना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट नहीं है कि ये सप्लीमेंट हम लोग आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन है, कौन कौन सा सप्लीमेंट में हमारे पास आयरन है। तो हम लोग प्रीडोमिनेंटली मेनली अगर देखते हैं, तीन सप्लीमेंट आप आयरन डेफिशिएंसी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं मैम। और यहाँ पे जितने सारे लेडी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सारे लेडी पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा ये तीन सप्लीमेंट्स आप नियमित रूप से कंज्यूम कीजिए, क्योंकि आप लोगों का आयरन डेफिशिएंसी पुरुषों से ज्यादा देखा जाता है और आप लोग ज्यादा एनिमिक होते हैं, महिलाएं ज्यादा एनिमिक होते हैं, मतलब सारे लोग ले सकते हैं फॉर आयरन डेफिशिएंसी। मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल दैट कंटेन्स आयरन यू कैन कंज्यूम। आप ले सकते हैं आंवला जूस, आप ले सकते हैं स्पिरुलिना। आंवला जूस, स्पिरुलिना, ये तीन सप्लीमेंट्स हम लोग दे सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी के, मतलब एनीमिया या कोई भी आयरन डेफिशिएंसी रिलेटेड इश्यूज। एक कॉमन एक प्रॉब्लम किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या सप्लीमेंट्स पहले ये बोला तो सवाल भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल किसी ने पूछा है, क्योंकि मैं हर एक सेशन में शुरू ही करता हूं ये सारे एस्पेक्ट से। नो, सप्लीमेंट इज नॉट मेड फॉर ट्रीटमेंट। सप्लीमेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ना तो आप सप्लीमेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ना तो आप सप्लीमेंट क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं किसी को, ना तो आप सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपके सवाल आएगा सप्लीमेंट क्यों दे सकता हूं। सप्लीमेंट आप दे सकते हैं क्योंकि हम लोग हर रोज जो खाते हैं और हर रोज जो खाना आसमान का फासला रहता है, वो फास्ट के लिए हमारे शरीर में पैदा होता है एक पोषण की कमी, और ये पोषण की कमी के कारण हमारे शरीर में काफी सारा प्रॉब्लम्स आता है। वो सारे प्रॉब्लम्स को मतलब वो सारे प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन पाने के लिए, हमारे और भी अच्छे तरीके से लाइफ को लीड करने के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए हम लोग सब ले सकते। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैम, इससे समझ में आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे मेडिसिन का भी बात आएगा। मान लीजिए आपके आप जो कंपाउंड में रहते हैं और मोहल्ले के जितने सारे बच्चे हैं, उन लोगों का क्या मकसद होता है कि मैं कभी भी गेट खुला रहे मैं जाके आम तोड़ूंगा, ऐसा ही होता है। और आप बैल्कनी से देखते हैं कि कोई बाहर का बच्चा आके आम ना तोड़े। अभी मान लीजिए आम के सीजन में बहुत सारा आम हुआ है और उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप क्या वेट करेंगे बच्चों को मतलब डांटेंगे, आप क्या करेंगे आइदर तो गेट मतलब जो लॉक है।
प्रोडक्ट देना चाहिए थायराइड का दोनों टाइप, हाइपर एंड हाइपो दोनों थायराइड के लिए कौन सा प्रोडक्ट जरूरी है? सी हाइपो या हाइपर के लिए ऐसा कोई हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं है और कोई एकदम स्पेसिफिक सप्लीमेंट आप बोलेंगे मैम ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तीन सप्लीमेंट को आइडेंटिफाई किया गया है जो हम लोग अगर थायराइड का मेडिसिन के साथ देंगे तो बेटर लाइफ लीड करने में मदद करता है। मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल नंबर वन, नंबर टू फ्लैक्सॉइल एंड नंबर थ्री एक जूस है दैट इज कॉल्ड एलोवेरा जूस। मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल फ्लैक्सॉइल एलोवेरा जूस ये तीन सप्लीमेंट हम लोग दे सकते हैं। सर नेक्स्ट जो है वो किसी ने कंसल्टेंट ने पूछा है क्या किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए कोई सप्लीमेंट है क्या हमारे पास? एक बार अगर किडनी में स्टोन या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, गॉल स्टोन या किडनी स्टोन को रिमूव कर डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन हाँ एक सप्लीमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नियमित रूप से अगर वो सप्लीमेंट आप लेंगे तो आपके स्टोन फॉर्मेशन का टेंडेंसी कम होगा, चांस या रिस्क कम रहता है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल हर रोज एक करके एक बार आने के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट। सर एक कंसल्टेंट ने पूछा है कि सीनियर सिटीजन जो डायबिटिक है उनका वेट इंक्रीज करने में कौन सा सप्लीमेंट मदद करता है? मतलब वो थोड़ा दुबले हो गए हैं, मतलब वेट रिड्यूस किया है, डायबिटीज नहीं होता है सीनियर सिटीजन, आप उनको दे सकते हैं आइदर तो प्रोटीन क्रिस्ट मतलब विथ नॉर्मल डाइट। प्रोटीन क्रिस्ट हम लोग वेट मैनेजमेंट में कहते हैं, आप अगर वजन को बढ़ाना चाहते हैं, मसल डेवलप करना चाहते हैं, हड्डियों का वजन बढ़ाना चाहते हैं, लीन मस को डेवलप करना चाहते हैं, विथ प्रॉपर डाइट आपको देना है, मतलब तीन टाइम का जो खाना होता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो एकदम नॉर्मल चलेगा, उसके साथ साथ प्रोटीन क्रिस्ट दे सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है उनका, और इस क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं रहेगा हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो अवशोषण नहीं होगा हमारे शरीर में, ठीक से पचा नहीं पाएंगे हमको, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल देना मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। और एक सप्लीमेंट मैं बताना चाहता हूँ जहां जहां पे आपका सारे के सारे दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ है, जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल गुड फैट इवन वाटर इज ऑल्सो देयर पानी भी है स्पिरुलिन। सो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर या तो प्रोटीन क्रिस्ट मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल एंड स्पिरुलिना। यहां पे एक सवाल आएगा, आप जब भी डायबिटीज में प्रोटीन बोलेंगे लोग आपको एक सवाल पूछ सकते हैं कि डायबिटीज में प्रोटीन तो मैं सुना हूं मना है। सी प्रोटीन चार जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, यूं तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी मेडिकल कंडीशन हो ट्रीटमेंट पर्पस आप डॉक्टर को पूछ लीजिए, और चार जगह है जहां पे हम लोग कहते हैं डॉक्टर को पूछना जरूरी है, किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम और थायराइड का प्रॉब्लम। और डायबिटीज में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है किडनी का प्रॉब्लम, तो अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप उसमें प्रोटीन रिकमेंड करने से पहले डॉक्टर को पूछ लीजिए। मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल आप दे सकते हैं, स्पिरुलिना भी दे सकते हैं। नेक्स्ट कंसल्टेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा है वो है कि कौन से प्रोडक्ट्स हम रिकमेंड कर सकते हैं कैंसर पेशेंट्स को जिनकी सर्जरी हो चुकी है और कीमोथेरेपी भी हो चुकी है। कैंसर पेशेंट को क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, इस एस्पेक्ट को लेके मेरे पास बहुत सारा सवाल आता है। सी कैंसर ऐसा एक डिजीज है, कैंसर में मतलब आप जानते हैं कि लोगों का इमोशन जुड़ा रहता है उस डिजीज के साथ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप लोग जानते हैं कि एंड रिजल्ट क्या है। तो आप जब भी कैंसर के सप्लीमेंट के बारे में बोलेंगे ना, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ, जब भी आप कैंसर के सप्लीमेंट के बारे में बोलेंगे थोड़ा लोगों को ये भी बताना है कि ये सप्लीमेंट लेके आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ये कैंसर ठीक कर देगा, क्योंकि कैंसर ठीक करने के लिए मेडिसिन वो अब तक तो आया नहीं है। तो हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं सो दैट कैंसर में तो बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत सारा एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होता है, वो एक थोड़ा सा बेटर जिंदगी जी सके जितना भी वो जिंदा है। या कोई अगर मान लीजिए कैंसर का फर्स्ट स्टेज में थे और कैंसर सर्वाइवल, ठीक है, मतलब अभी मतलब आउट ऑफ रिस्क है, फर्स्ट स्टेज में थे, उन लोगों को अच्छा रखने के लिए हम लोग दे सकते हैं तीन सप्लीमेंट्स प्रीडोमिनेंटली मेन। नंबर वन होता है नूनी, नंबर टू गार्लिक पर्ल्स, नंबर थ्री मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। फिर से मैं बोलूंगा नोनी गार्लिक पर्ल्स मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, ये तीन सप्लीमेंट्स हम लोग कैंसर पेशेंट को जिन लोगों का केमोथेरेपी हुआ है या चल रहा है सारे लोगों को हम लोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जो नेक्स्ट कंसल्टेंट्स ने हमारे से क्वेश्चन पूछा है वो कहते हैं प्लीज सजेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर पीपल विद हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिनको हार्ट की दिल की बीमारी हो तो कौन से सप्लीमेंट्स उनको देने चाहिए? या बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
हम लोग कुछ कुछ सप्लीमेंट्स यहाँ पे मेन सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं, कुछ कुछ सप्लीमेंट्स हार्ट को अच्छा रखने के लिए देते हैं, मतलब एक्सेसरी आई मीन एसोसिएटेड सप्लीमेंट्स के तौर पे, ठीक है, ऑक्सिलियरी सप्लीमेंट्स के तौर पे। नंबर वन जो सप्लीमेंट होता है जिसका नाम है कार्डियो एक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है कार्डियो मतलब दिल के लिए बहुत अच्छा, इट्स एब्सोल्युटली बेनिफिशियल फॉर माई हार्ट। कार्डियो एक्टिव को हम लोग दे सकते हैं नंबर वन। नंबर टू हम लोग दे सकते हैं ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए गार्लिक पेपर्स। और नंबर थ्री एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है जिसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड है और हम सारे जानते हैं कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड इज बेनिफिशियल फॉर अवर हार्ट, हम लोग दे सकते हैं फ्लैक्स ऑयल। तो हम लोग मेनली जो तीन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, नंबर वन होता है कार्डियो एक्टिव, नंबर टू होता है गार्लिक पेपर्स, नंबर थ्री होता है फ्लैक्स ऑयल। हाँ, कोई कोई आपको बोलेंगे कि मेरा लो प्रेशर का प्रॉब्लम है उसमें मैं क्या दे सकता हूँ। लो प्रेशर का प्रॉब्लम है हम लोग दो सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, एक होता है नोनी और दूसरा होता है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, इवन हम लोग ऑल प्लान प्रोटीन पाउडर के बारे में भी बात कर सकते। तो टोटल सिक्स सप्लीमेंट्स आर देयर, मेन थ्री सप्लीमेंट्स आर कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्स एंड फ्लैक्स ऑयल, और बाकी तीन सप्लीमेंट्स हम लोग दे सकते हैं, दैट इज ऑल प्लान प्रोटीन पाउडर, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल एंड। एंड आई थिंक सो जो कंसल्टेंट ने हमसे ये शेयर किया था उनको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो कंसल्टेंट ने हमारे से जो पूछा है वो कहते हैं, कैन एनी प्रोडक्ट बी गिवन टू पीपल विद लिवर सिरोसिस, जिनको लिवर सिरोसिस है उनको क्या हम कोई सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, दो सप्लीमेंट्स तो रिकमेंड डेफिनेटली कर सकते हैं। एक होता है डिटॉक्स जो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, नंबर टू होता है स्पिरुलिना। डिटॉक्स और स्पिरुलिना आप डेफिनेटली दे सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप दे सकते हैं इफ यू वांट आप मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल और फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। स्पिरुलिन डिटॉक्स और स्पिरुलिना होगा मेन सप्लीमेंट्स, और बाकी दो सप्लीमेंट्स और भी आप ऐड करना चाहते हैं हमारे पास है, दैट इज फ्लैक्स ऑयल और हमारे पास मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे कंसल्टेंट ने हमारे से पूछा है, व्हाट प्रोडक्ट्स टू रिकमेंड फॉर स्किन एक्जिमा, स्किन एक्जिमा के लिए कौन से प्रोडक्ट्स बेहतर है? सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि स्किन का जो प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हम लोगों को ब्लड को प्यूरिफाई करना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो आपका स्किन का, पॉल्यूटेंट्स या पॉल्यूशन या प्रदूषण इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन के लिए दो सप्लीमेंट्स तो है ही हमारे पास, आंख बंद करके हम लोग डिटॉक्स देंगे और हम लोग स्पिरुलिना देंगे, हम लोग ब्लड को डिटॉक्सिफाई। उसके बाद थर्ड सप्लीमेंट के तौर पे एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है फ्लैक्स ऑयल, हम लोग फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। और इन्फेक्शन के लिए और दो सप्लीमेंट्स हम लोग दे सकते हैं, मतलब जब इन्फेक्शन होता है उसमें हम लोग दे सकते हैं नोनी एंड ऑल प्लान। तो कितने सप्लीमेंट्स हुआ, पांच सप्लीमेंट्स। नंबर वन आएगा डिटॉक्स, नंबर टू स्पिरुलिना, थर्ड आएगा फ्लैक्स ऑयल, उसके बाद आएगा नोनी एंड ऑल प्लान। इफ यू वांट सिक्स सप्लीमेंट के तौर पे मैम यू कैन आई मीन रिकमेंड कॉमन बीमारी है इंडिया में, वाइट डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया का कोई हमारे में सप्लीमेंट्स है? वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया एक बहुत ही सीरियस गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो गायनकोलॉजिस्ट को दिखाना तो जरूरी है, बहुत ही जरूरी। साइड बाय साइड आप जो सप्लीमेंट दे सकते हैं, हम लोग फ्लैक्स ऑयल रिकमेंड कर सकते हैं, हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं स्पिरुलिना एंड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, तीन सप्लीमेंट्स मेन। सबसे पहले फ्लैक्स ऑयल, नंबर टू आएगा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, देन स्पिरुलिना, और उसके साथ साथ आप नोनी भी रिकमेंड। थैंक यू सर, थैंक यू। और आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो कहते हैं कि ब्रिटल नेल्स और थिनिंग हेयर के लिए हमारे पास क्या सप्लीमेंट्स है? नेल्स अगर ब्रिटल होता है, ब्रिटल नेल्स के लिए बहुत सारा कारण होता है, उसमें दो मेन कारण होता है, प्रोटीन और विटामिन मिनरल का डेफिशिएंसी। प्रोटीन और विटामिन मिनरल का जब डेफिशिएंसी होता है तब हम लोग दे सकते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। सो किसी को अगर ब्रिटल नेल्स का प्रॉब्लम है, हम लोग प्रोटीन और मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल डेफिनेटली देंगे, ऑल प्लान प्रोटीन पाउडर एंड मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। साथ साथ कैन सजेस्ट, आप रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं फ्लैक्स ऑयल।
अभी थिनिंग ऑफ हेयर अगर कोई बोल रहा है, अगर मैं सही तरीके से समझूं, मतलब हेयर फॉल हो रहा है, उसमें हम लोग दे सकते हैं 3 सप्लीमेंट्स, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल एंड स्पिरुलिना। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल एंड स्पिरुलिना, ये 3 सप्लीमेंट्स हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हैं। सर, अब हम आखिरी क्वेश्चन पे आ रहे हैं हमारे हैं। क्या एलोपेशिया, मतलब जो बाल जिनके झड़ जाते हैं, जो गंजापन शुरू हो जाता है, वो क्या हमारे सप्लीमेंट से क्योर होता है? नो मैम, एलोपेशिया इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जहाँ पे शरीर खुद का ही नुकसान करता है, और ऐसा डिजीज के लिए डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरे पास पहले भी बहुत बार आया था। एलोपेशिया के लिए हमारे पास कोई भी सर कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो एलोपेशिया को ठीक कर सके। सर, इसके साथ हमारा जो है क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन हमें मिले थे, वो हमारा फिनिश होता है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सिमी एंड सुवंकर जी, बहुत सारे हमने पॉइंट्स बनाए हैं एंड बहुत सारी ऐसी नई बातें मेरे को भी पता चली है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स नए रीजन से दिए जा सकते हैं, लोगों को हेल्प करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास अभी करीबन 20 मिनट बचे हैं हमारे सेशन के। अगर आप हमें वेलनेस से रिलेटेड कुछ भी और आपको लगता है आप हमें जानकारी दे सकते हैं, कुछ और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमें आते हैं जिसमें कुछ मदद हो सकती है, तो सर आप हमारे को बताइए, अदरवाइज हम फिर सेशन का एंड भी कर सकते हैं। और वैसे तो एक रैपिड फायर राउंड हो गया ये क्वेश्चन आंसर सेशन का, आई एम हैप्पी अबाउट इट। एनीथिंग 5-7 मिनट्स आप हमें कुछ और गाइडेंस देना चाहें तो। फील्ड में जाते हैं, कंसल्टेंट जब फील्ड में जाते हैं, सबसे पहले ये जरूरी होता है कि नीड जनरेशन सप्लीमेंट में जाने से पहले। और नीड जनरेशन में क्या आएगा, सबसे पहले व्हाट इज सप्लीमेंट, व्हाई सप्लीमेंट, और उसके बाद जो आज मैंने बताया कि ये सवाल मतलब हर एक सेशन में ही मेरे पास आता है, मैं इसमें थोड़ा टाइम भी लेता हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सप्लीमेंट एंड मेडिसिन, ये तो क्लियर करना है। उसके बाद हम लोगों को धीरे 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 बाकी सप्लीमेंट्स में जाना। और लोग यहाँ पे एक चीज सोच लेते हैं कि बेसिकली कोई भी डिजीज हो और हम लोग वहां पे सप्लीमेंट दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉब्लम क्या है और उसमें आप डॉक्टर के पास जाएं और उसके साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट रिकमेंड करें। तो बहुत सारे लोग जैसे मुझे पूछते हैं कि ये जो सिचुएशन है कोरोना पैंडेमिक, यहाँ पे जस्ट ये क्वेश्चन आया नहीं था, ये मैं बताना चाहता हूँ कोरोना पैंडेमिक, क्योंकि मेरे पास ये सवाल आया था जस्ट 2 दिन पहले कि कोरोना वायरस को इस दुनिया से हटाने के लिए क्या सप्लीमेंट है, मेरे पास ये सवाल आया। तो मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कोरोना वायरस को इस दुनिया से हटाने के लिए वैक्सीन चाहिए, जिसके लिए साइंटिस्ट दिन और रात एक करके रिसर्च कर रहे हैं, और वो जब मार्केट में आएंगे डॉक्टर हम लोगों को बताएंगे कैसे और कब उसको लेना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोदी केयर के जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है या होम केयर प्रोडक्ट्स है उसके जरिए हम अपने हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, मोदी केयर मास्क यूज करेंगे और सप्लीमेंट यूज करके हम लोग अपना इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। अभी कौन सा प्रोडक्ट यूज करके इम्यूनिटी को बढ़ाना है, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को आपको अगर पूछेंगे कि इस सिचुएशन में मुझे आप बताइए डॉक्टर साहब कि एग्जैक्टली क्या क्या लेना है, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे सबसे पहले आप खाने में प्रोटीन और विटामिन को ऐड कीजिए। तो हमारे पास है प्रोटीन और विटामिन, वी हैव ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर और हमारे पास है मल्टी विटामिन मल्टीमिनरल। सो आज से हम लोग ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो लोग ले नहीं रहे, अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग है यहाँ पे, जो लोग अभी तक शुरू नहीं किया है, सारे लोगों को बताना चाहता हूँ इम्यूनिटी को बूस्टअप करना अभी हमारे नीड ऑफ द आवर या नीड ऑफ द मिनट नहीं है, नीड ऑफ द सेकेंड है, नीड ऑफ द सेकेंड। हम लोग इम्यूनिटी को अगर बूस्टअप करना चाहते हैं हमारे पास है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो एक स्कूप करके हम लोगों को मैक्सिमम 3 बार लेना है दिन में कोई भी खाने में मिला के, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल एक करके दिन में एक बार लेना है ब्रेकफास्ट के बाद, ये 2 सप्लीमेंट्स हो गया। उसके बाद आता है एक वंडर हर्ब के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है गार्लिक। गार्लिक पर्पल से बहुत 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 बढ़िया सप्लीमेंट है और वो सप्लीमेंट हम लोग कहते हैं कि आप अगर लेते हैं गार्लिक आपका अंदरूनी मजबूती बढ़ाने में बहुत अच्छी तरह से मदद। आंवला जूस, ठीक है, आंवला जूस, आंवला जूस में क्या है, विटामिन सी। और हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि विटामिन सी हमारे अंदरूनी मजबूती बढ़ाने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है।
और आंवला जूस मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल जैसा ही विटामिन मिनरल विटामिन सी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। तो यू कैन कंज्यूम, आप ले सकते हैं आंवला जूस भी, बहुत बढ़िया सप्लीमेंट। तो चार सप्लीमेंट्स हो गए आप लोगों का, ऑल प्लान प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, उसके बाद आता है हमारा आंवला जूस आता है, और उसके साथ साथ हम लोग और एक सप्लीमेंट दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गार्लिक पर्ल्स। ये चार सप्लीमेंट्स हो गया, फिफ्थ सप्लीमेंट के तौर पे हम लोग कह सकते हैं स्पिरुलिना, क्योंकि आपको अलग अलग फूड लेना नहीं पड़ेगा प्रोटीन के लिए, या तो विटामिन मिनरल के लिए, या तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, वाटर के लिए, आपका जो एसेंशियल फैटी एसिड, एक ही सप्लीमेंट में आपको सब कुछ मिल रहा है एक ही डब्बे में, दैट इज कॉल्ड स्पिरुलिना। सर एक गुड न्यूज है, मेरे पास 8 क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर आए हैं, और मैं वन बाय वन आपसे प्लीज पूछना चाहूंगी। इज इट ओके? परफेक्ट सर। विगर एंड वाइटलिटी बढ़ाने के लिए क्या लिया जा सकता है? विगर एंड वाइटलिटी के लिए हमारे पास 2 सप्लीमेंट्स है, हमारे पास है शिलाजीत और हमारे पास है जिनसेंग, ये 2 सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं मेन। दैट्स ग्रेट। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्या लिया जा सकता है सर? शिलाजीत दे सकते हैं, एक ही सप्लीमेंट। ओके। एसिडिटी को ठीक करने के लिए हमारे अमृत शक्ति एंड पुदीना विद तुलसी, उसके साथ डिटॉक्स। और एक बात है मैम, एसिडिटी को कम करने के लिए हमको स्पाइसी फूड खाना, ऑयली फूड खाना और फैटी फूड खाना भी बंद करना, ये भी एक बहुत बड़ा बात। इसमें क्या क्या है बताया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। अमृत शक्ति, पुदीना विद तुलसी, डिटॉक्स, ये 3 सप्लीमेंट्स। ग्रेट सर, मैं भी एक्चुअली नोट कर रही हूँ इसलिए साथ साथ। अच्छा, अगर डायरिया हो तो डायरिया में हमारा कोई प्रोडक्ट है जो कि कुछ इमीडिएट रिलीफ दे सकता है? नहीं मैम, इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको डॉक्टर का मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टॉप करने के लिए बेटरमेंट अगर चाहते हैं, जब डॉक्टर ओआरएस दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, आप उसमें अमृत शक्ति दे सकते हैं, अमृत शक्ति हम लोग दे सकते हैं, और हम लोग उसमें मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल दे सकते। ओके ओके। गैस की प्रॉब्लम हो तो अमृत शक्ति, पुदीना विद तुलसी एंड डिटॉक्स, ये 3 सप्लीमेंट्स। पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये 3 सप्लीमेंट्स आंख बंद करके हम लोग देते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर, आईज के लिए, आईज को ठीक रखने के लिए क्या क्या लिया जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं ये कवर करने वाला था मेरे नेक्स्ट एस्पेक्ट में। तो आईज के लिए 2 सप्लीमेंट्स तो बहुत अच्छा है, एक होता है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, बिकॉज इट कंटेन्स ल्यूटिन, इसमें ल्यूटिन नाम का एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, तो ल्यूटिन हमारे आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। तो विजन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग दे सकते हैं मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, अलोंग विद मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल के साथ साथ हम लोग दे सकते हैं स्पिरुलिना। तो ये 2 सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल एंड स्पिरुलिना, हम लोग विजन रिलेटेड प्रॉब्लम में दे सकते हैं आंख बंद कर। ठीक है सर। एक हालांकि मतलब किसी को शायद ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही, कह रहे मैम गारंटेड ड्राई लिप्स के लिए क्या खाएं कि ठीक हो जाएं? ड्राई लिप्स के लिए ऐसा तो कोई सप्लीमेंट नहीं है, ड्राई लिप्स अगर होता है, ड्राई लिप्स के बारे में बोला है ना मैम? हाँ जी सर। उसमें तो लिप बम लगा सकते हैं, सप्लीमेंट ऐसा कुछ नहीं है। पानी थोड़ा ज्यादा पीना है आपको, और मतलब ड्राइनेस को दूर करने के लिए ऐसा कोई मतलब आई मीन स्पेसिफिक सप्लीमेंट। ठीक है सर। कैल्शियम किस एज के बच्चों से प्लस दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन है, मैं अभी चेक नहीं कर रही कि कौन सा कवर के लिए कौन सा मैच, बस जैसे जैसे क्वेश्चन मैं देख रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि कैल्शियम कितने साल प्लस के बच्चों को दिया जा सकता है? कैल्शियम आप 5 साल के उम्र से दे सकते हैं। ओके। वर्टिगो में क्या सर कुछ किया जा सकता है? वर्टिगो के लिए मैं डायरेक्ट तो कोई सप्लीमेंट नहीं है, फिर भी आप मल्टीविटामिन और फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। मैं सारे लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम के लिए ना स्पेसिफिक सप्लीमेंट नहीं होता है। आपको अगर कहीं पे कोई सप्लीमेंट मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूशन हो रहा है क्या दें, और आप मतलब आपके जो रेस्पेक्टिव ट्रेनर है या रेस्पेक्टिव मतलब अपलाइन है उनके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पे आपको सप्लीमेंट रिकमेंड करना है, तो आप मल्टीविटामिन और फ्लैक्स ऑयल, ये 2 सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल एंड फ्लैक्स ऑयल, ये 2 सप्लीमेंट्स होते हैं। वर्टिगो के लिए कोई डायरेक्ट सप्लीमेंट। ठीक है सर। एक सवाल और कि अगर हमने किसी को कोई है ना फूड सप्लीमेंट रिकमेंड किया और उनकी तरफ से जवाब आया कि मैंने ये खाया मुझे गैस हो गई, या मुझे एसिडिटी हो गई है, या ये मेरे को भारीपन लग रहा है, या मैंने ये खाया इससे मेरा वजन बढ़ गया है, मतलब हम भी जानते हैं कि कोई भी फूड सप्लीमेंट है ना ऐसा मैजिकल नहीं वो कर सकता, तो कैसे उसको हैंडल करें और क्या इसका जवाब हो सकता है सर? इसका जवाब एक ही हो सकता है मैम, हमेशा हम लोग मतलब बीइंग अ मेडिकल कंसल्टेंट, ये कॉन्फिडेंस तो हम लोग के है ही कि हमारा प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट,
उनको सवाल पूछना, और इसको इसको हम लोग कहते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब आस्किंग द राइट क्वेश्चन, उनका लाइफस्टाइल के बारे में बताना कि आप क्या खाए थे, आपका लाइफस्टाइल क्या है, कोई डिजीज तो नहीं चल रहा है बहुत ज्यादा देर तक, आप खाली पेट में तो नहीं है। आपको दो एग्जाम्पल मैं दूंगा मैम, आई हैव टाइम है यहाँ पे? हाँ जी सर बिल्कुल टाइम है, अभी अपने पास 15-17 मिनट है। ओके ओके, तो दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं अपना क्लासरूम ट्रेनिंग और जूम में भी ये फॉलो करता हूँ ये एग्जाम्पल। आपको देखिए एग्जाम्पल, एक बार मैं ओडिशा में गया था भुवनेश्वर में एक सेशन लेने के लिए, वहां पे एक जन मुझे ये बात बताया कि नोनी पीने के बाद मेरा चेस्ट पेन हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा सर आप क्या करते हैं, तो उन पता चला उनसे कि मोदी के कंसल्टेंट होने के साथ साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने उनको पूछा आप अपना लाइफस्टाइल, उन्होंने बताया सुबह 8 बजे वो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनको डॉक्टर विजिट करना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, स्टॉकिस विजिट करना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला आप लंच कितने बजे करते हैं, उन्होंने बोला कोई टाइम ऐसा नहीं है, 5 बजे 6 बजे। और क्या खाते हैं, फास्ट फूड जब मिल जाता है वही खा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में मतलब जब मार्केट में वो काम करते हैं ऐसे ऐसे तो कोई अच्छा जगह उनको नहीं मिलेगा जहाँ पे वो हेल्दी फूड उनको मिले। और अब डिनर कितने बजे करते हैं सर, घर जाने के बाद 11 बजे, इसके बीच में क्या खाते हैं, कुछ नहीं। तो ऐसा अगर कोई लाइफस्टाइल जिनका होगा, गैस तो पेट में बनेगा ही, तो चेस्ट पेन क्या नोनी पीने से हो रहा है या आपका लाइफस्टाइल के लिए। और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, वी आर बंगाली और हम लोग मीठा खाने के लिए वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो एक दिन मैं जहां पे रहता हूँ, मेरा एकदम आंखों देखे एग्जांपल है, मैंने देखा कि मैं एक मिठाई के दुकान में गया, वहां पे बैठ के एक बंदा मिठाई खा रहा। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोलकाता में आपको कोई भी मिठाई के दुकान में आप जाए आपको कोई यंग बंदा दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे वही एजेड लोग दिखाई देंगे जिन लोगों का डायबिटीज है, घर में चीनी लेना मना है चाय में, वो छुप छुप के आके मिठाई। तो ऐसा ही बंदे को मुझे दिखाई दिया, उनका 70 साल है और वो राजभोग खा रहे थे। राजभोग को मतलब बड़ा सा रसगुल्ला जो एक हाथ में नहीं आता, इतना बड़ा रसगुल्ला, और उनके पेट में 2 है, और वो गाना गा रहे थे खाना खाते रसगुल्ला खाते। तो जो दुकानदार थे उन्होंने उनको डायबिटीज है, आप तो बेटे को पता चलेगा मेरा दुकान बंद करा देगा। तो वो एजेड पर्सन बहुत रिलैक्स हुए में बोला आज में कोई नहीं है देखने वाला, तो इसके बाद मुझे 500 का मीठा दही। लाइफस्टाइल इज एवरीथिंग। अगर हम लोग कस्टमर का बात सुन के घबरा जाए, प्रोस्पेक्ट का बात सुन के घबरा जाए, नहीं उनका ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चले, उनको लगेगा कि प्रोडक्ट में डेफिनेटली प्रॉब्लम, वी नो इट वेरी वेल कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे विद फुल कॉन्फिडेंस उनको पूछना है तो उनका क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जगह पे आप ये प्रॉब्लम को ना लिंगर मत करें, मतलब जब भी आपको ऐसा नेगेटिव फीडबैक मिले, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ फील्ड में जब आप जाएंगे उसी जगह पे ऑन द स्पॉट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको छोड़िए, क्योंकि आप जानते हैं हम जानते हैं मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट वो वेलनेस हो या होम केयर हो या पर्सनल केयर हो, कोई भी नेगेटिव या साइड इफेक्ट्स नहीं, हम सारे लोग जानते हैं। तो अगर हमारे ये कॉन्फिडेंस है तो लोगों को भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग लाइफस्टाइल इज एवरीथिंग। फैंटास्टिक, अमेजिंग सर, बहुत बहुत सही तरीका आपने बताया हमें हमारे प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन हैंडल को हैंडल करने के लिए। एक बड़ा स्वीट क्वेश्चन आया है कि मैं मेमोरी को तेज कैसे रखें कि याद रहे कि मल्टीविटामिन खाना है। ये तो मल्टीविटामिन आपको टेबल के सामने रखना पड़ेगा, ये एक उपाय है। और मेमोरी को शार्प करने के लिए जिनसेंग बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, और उसके साथ साथ जो सप्लीमेंट के बारे में आप पूछे हैं मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल इटसेल्फ, वो एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो मेमोरी को तेज करता है, जिनसेंग एंड मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर, एक और क्वेश्चन है कि अपने पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी है ना, जिन जिन चीजों पर सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में कुछ डिटेल बता दीजिए और कहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके बारे में आपके साथ में टच में रहूंगा मैम, आपको डिटेल्स मैं दे दूंगा, ठीक है। आप मुझे फोल्डर भेज दीजिएगा, हम जो है उसको हमारे व्हाट्सएप जो भी सर्टिफिकेट्स है जो भी डिटेल्स है मैं आपको भेज दूंगा। राइट सर, फैंटास्टिक, इतना अमेजिंग सेशन ये गया है सर, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी आते गए अभी तक टिल नाउ जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने आपसे पूछा है, और आपने हर एक क्वेश्चन पे हमको थॉरो बिल्कुल कर दिया है। वी आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, मोर पावरफुल नाउ, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आप लोग सर बहुत साथ दे रहे हैं, एक तरफ एवरी सैटरडे आप लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, एवरी डे जो 3 o'clock आप लोगों के सेशंस हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। कल मोदी केयर की जो हमारा डिजिटल हब आया है वो अमेजिंग टूल है, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक